और एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे खास कार्यक्रम का। एससीओ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है। बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला और कहा आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से हम सबको बचना होगा। कट्टरवाद अपनाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये संभव ही नहीं। ये आत्मनिरीक्षण का, ये समाधान का समय है। हमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए समाधान की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते नजर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि इस समय पाकिस्तान में मौजूद है। एससीओ के शिखर सम्मेलन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। विकास के लिए शांति और स्थिरता, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। सबकी संप्रभुता का सम्मान बहुत जरूरी है। एक तरफा एजेंडा अगर कोई चलाएगा तो इससे रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो सकते हैं। ये सोचना, ऐसी उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं बेमानी होगा। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एक दूसरे पर, हमें अपने पड़ोसियों पर भरोसा होना चाहिए, तभी ये संभव है, तभी रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बिना नाम लिए जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर, अलगाववाद के मुद्दे पर, कट्टरवाद के मुद्दे पर ये खरी खोटी सुनाई गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, ऐसे में उम्मीद एक बार फिर से वही कि पाकिस्तान क्या इस बार समझेगा नहीं समझेगा। एस जयशंकर ने क्या कुछ खरी खरी कहा है वहां पर, आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये जो समय है वो समाधान का समय उन्होंने बताया है, आत्मनिरीक्षण का समय उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर विकास चाहता है कोई भी देश तो ऐसे में सबसे पहले उस देश को शांति पर काम करना होगा, स्थिरता पर काम करना होगा। सबकी संप्रभुता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। बिना इसके विकास संभव ही नहीं है, बिना इसके शांति संभव ही नहीं है। जानकारी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अली साहब। अली साहब, पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान को ही ये जो कला संदेश डॉक्टर एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने दिया है, संदेश मिला नहीं मिला? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर मुझे अपने चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, इस सारी सूरत हाल को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जिस तरह हिंदुस्तान ये चाहता है कि इस वक्त जो आतंकवाद का मसला है उसका खात्मा होना चाहिए, अब पाकिस्तान भी यही चाहता है कि आतंकवाद समेत जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं जो कि हल तलब हैं उसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उन सब के साथ बेहतर संबंध बनाकर तो आगे बढ़ सके। इसको अगर इस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं उनको हम दिल से वेलकम करते हैं, और उनकी जानिब से उनको पहले ही कहा था कि वो यकीनी तौर पे दहशतगर्दी के मुद्दे को उठाएंगे। जबकि उससे पहले जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो सरबराह हैं, उस पार्टी के जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने भारतीय साथियों से भी मुलाकात की थी और उस टाइम पर उन्होंने इस बात का कहा था कि मोदी जी को इस मौके पर खुद आना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हालात कशीदा हैं उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती। हालात पेचीदा इसी वजह से तो है, मुझे लगता है जो कड़ा संदेश हमारे विदेश मंत्री ने आप लोगों को भेजवाया है वो आप तक शायद पहुंचा नहीं है। बात यहाँ पर आतंकवाद, बात यहाँ पर अलगाववाद, बात यहाँ पर कट्टरवाद पर कंट्रोल करने को लेकर है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठाया गया कि हमें विश्वास हो कि हाँ आप लोग सीरियस है इन मुद्दों को खत्म करने को लेकर, आतंक को खत्म करने को लेकर, बताइए जरा। देखें, अगर आप इस पे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पहले रहे हैं उनको अपनी उससे हटाकर देखें, मौजूदा हालात की ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उसके खात्मे के लिए संजीदा है, और पाकिस्तान की जानिब से इसके हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो नवाज शरीफ ने जो भारतीय साथियों से मुलाकात की थी उसमें उन्होंने जमीर अली साहब, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इतिहास की भी सारी जानकारी है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते कब कब बेहद खट्टे हुए, कब कब गहरी खाई में रिश्ते तब्दील हो गए और वो खाई
वो चौड़ी ही लगातार होती चली गई, पटी नहीं कभी। और ऐसे में आतंक का ही एक मुद्दा था जब भारत की तरफ से स्टैंड लिया गया कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आतंक को खत्म करने की दिशा में पाकिस्तान ने कोई ठोस कदम आज तक क्यों नहीं उठाया कि एक बार फिर से संभावना बनती कि फिर से बातचीत शुरू की जाए। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जितने भी इकदाम उठा रहे हैं वो बड़े संजीदगी से इकदाम उठा रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में दो रूलिंग पार्टीज हैं, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ वो आदमी है जिससे मिलने के लिए मोदी जी खसूसी तौर पर पाकिस्तान आए थे और लाहौर उनकी नवासी की शादी में चले गए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले लोग हैं उन्होंने कई इल्जाम भी लगाए थे। नवाज शरीफ को भारत का दोस्त भी करार दिया था। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी भारत के साथ हमेशा से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती रही है। तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं या जो जरदारी साहब हैं, इन दोनों की जो नीयत है और उनके जो इकदाम है या जो उनकी सोच है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो खट्टे रिश्ते हैं उनको पाकिस्तान की कथनी और करनी में हर बार जो फर्क हमने महसूस किया तो भला कैसे विश्वास हो? भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की या फिर उसके साथ जरदारी साहब हैं, ये इस मामले में बड़े संजीदा हैं। लेकिन आप इसके पीछे क्यों नहीं समझना चाहते कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई डायलॉग शुरू होते हैं, कोई संबंध अच्छे होने की कोशिश होती है, तो उसके साथ साथ जो दहशतगर्द या इंतहा पसंद सोच रखने वाली एक कुव्वतें हैं वो मुतहरिक हो जाती है और दोनों के दरमियान कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से ये जो ताल्लुकात होते थे वो खराब हो जाते थे। मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान संजीदा कोशिशें कर रहा है, इस तरह हिंदुस्तान को भी संजीदगी से आतंक फैलाने वालों को, आतंकवादियों को पनाह नहीं दे रहा होता वहां पर बैठ के। चले विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। निपुण जी, कितना विश्वास हो पा रहा है पाकिस्तान की इन बातों पर? वो कह रहे हैं हम तो बहुत संजीदा है, एक्टिवली इस दिशा में काम कर रहे हैं, आतंकवाद हमारे लिए भी उतना बड़ा कंसर्न है जितना कि बाकी के देशों के लिए। क्या ऐसा है वाकई में? अगर ऐसा होता तो क्या अब तक दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच डायलॉग शुरू ना हो जाता? देखिए भाई, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल दी जमीनी जी को। अब देखिए, जमीनी जी पाकिस्तान में बैठे हैं, इनकी पाकिस्तान की बात करने की मजबूरी है, नहीं तो अभी फतवा जारी हो जाएगा, कोई रेडिकल ग्रुप निकाल देगा या कोई आतंकवादी उठा के ले जाएगा इनके घर से, इन्हें बोलना पड़ेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर वाकई में संजीदा हैं तो मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, बहुत सारे यहाँ पे आतंकवादी संगठन है जो भारत के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, जमात इस्लामी है, जैश मोहम्मद है, जमात उल दावा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, इनको बैन कीजिए और इनके जो लीडर हैं, इनके जो अकाउंट हैं सबको बंद कीजिए, सब पता चले। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी सेप्टेम्बर का महीना जो इनके पीएम थे, पीएम साहब कहाँ पर गए? आपका यूएनओ में गए, जनरल असेंबली में गए। जनरल असेंबली में जाके क्या बोल रहे थे वो? वहां पर किस प्रकार के बयान दे रहे थे भारतीय खिलाफ? और अभी आप कह रहे हैं आज 15-16 अक्टूबर को कि हम संबंध अच्छा करना चाह रहे हैं। हाँ। आपको प्रमाण तो दीजिए, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम संबंध अच्छा करना चाहते हैं? एक प्रमाण अभी जमीन आज दे नहीं पाएगा अली साहब। अली साहब एक उदाहरण दे दीजिए कि इस आधार पर हम कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की बहुत चालाकी क्या है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहता है कि हम तो बातचीत के माध्यम से मसला हल करना चाहते हैं, बैकडोर से वो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। अब क्यों करना चाहता है? क्योंकि आप जानते हैं श्रीपति जी की बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस में गिरा हुआ है, अभी उसको एफएटीएफ के जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया, $7 अरब का अभी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया, वो इसी कंडीशन में दिया गया था कि तुम दहशतगर्दी को कम करोगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कम की? और जो ये कह रहे हैं कि जो ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतें जो दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं करना चाहती, आप ये बताइए भारत की कौन सी ताकत है जो संबंध ठीक नहीं करना चाहती? आपके यहाँ से दहशतगर्दी पैदा होगी तो आप ही तो खत्म करेंगे, आप हमें कह दीजिए, आप हमें बोल दीजिए कि भारत की सेना आए और यही आतंकवादी यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मार दीजिए, यही हमारे बीच के संबंधों को खराब करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति की बात छोड़िए। आतंकी संगठन वहां पर अपने पैर पसारे बैठे हुए हैं, क्या कोई एक्शन लिया गया उनके खिलाफ जमीर अली साहब? तो फिर कैसी आपकी बातों पर हम विश्वास कर लें?
देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी दहशतगर्द या फिर इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले लोग थे, उनके लिए यकीनी तौर पे जमीन तंग कर दी गई है। आप बेशक उसको तस्लीम ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी संजीदगी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें की गई, इससे पहले कभी भी नहीं की गई थी। देखिये, पाकिस्तान की जो सरजमीन है, यहाँ पे बिल्कुल वाजे एक मैसेज है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी की जो सोच है उसको पनपने नहीं दिया जाएगा। और इसके हवाले से पाकिस्तान में कई ऑपरेशंस भी किए गए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, इसकी मैंने आपको इसलिए रिपीट भी कर रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार है, इसको जो सरपरस्त हैं, जैसे नवाज शरीफ है या आसिफ जरदारी है, उनकी सोच बिल्कुल वाजे है। अगर आप देखें तो माजी में नवाज शरीफ पे कई इल्जाम भी लगते रहे हैं कि वो भारत का दोस्त है। तो जब पाकिस्तान में इस तरह की सरकार आती है और वो इस हवाले से संजीदगी से कोशिशें करती है, तो यकीनी तौर पर उसको ना सिर्फ पाकिस्तान करके दिखाना अलग होता है। ये सवाल मैंने पहले भी किया था कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अगर फर्क ना होता तो शायद काफी समय पहले आप लोगों पर विश्वास हो जाता, शायद बातचीत आज की तारीख में कहां की कहां होती, आप ये समझाइए। और एससीओ के सम्मेलन में, इस मीटिंग में जो साफ साफ दो टूक कह दिया गया एस जयशंकर की तरफ से कि देखिए, रिश्ते अगर बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भरोसा जरूरी है, तो कैसे भरोसा जीतेगा पाकिस्तान, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। शिल्पा जी बार बार बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाइयां हो रही हैं। आप पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है उसको देखें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मौजूदा सरकार, उसके हवाले से जितने भी इकदाम उठाए जा सकते हैं वो उठा रही है, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से कोशिशें कर रहा है, और हिंदुस्तान को भी इसमें अब पाकिस्तान का जो ये बात है उस पर भरोसा करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ उनको ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए डायलॉग शुरू करने चाहिए। देखें, जब तक डायलॉग शुरू नहीं होगा तब तक जो इंतहा पसंद पाकिस्तान की तरफ से जो छुरा घोपा गया उसका दर्द सहा है, तो भला कैसे विश्वास हो जाए। निपुण जी, आपको हो पा रहा है विश्वास? हाँ शिल्पा जी, मैं एक बात कहूंगा, जमीर अली जी ने एक भी उदाहरण नहीं दिया पहले तो बात, और ये उन्हीं नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना जिनके साथ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए और बाद में कारगिल हुआ। कारगिल के नवाज शरीफ ये कहते हैं हमको पता ही नहीं कि पाकिस्तान की सेना जो है कारगिल में घुस चुकी है, हद हो गई। मतलब पाकिस्तान को ये तक नहीं पता है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पॉलिटिकल पार्टी चला रही है या वहां की आर्मी चला रही है या रेडिकल ग्रुप चला रहा है या फिर अमेरिका या चीन चला रहा है। आप बताइए जमील अली जी, आप एक उदाहरण दीजिए, कुलभूषण यादव जेल में क्यों है? आपने हमारे रिटायर आर्मी चीफ, नेवी में जो हमारे काम करने वाले थे उनको आपने अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। आज तक आप सबूत नहीं देखा पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि कुलभूषण यादव जो है स्पाई है। आप उनको छोड़िए, हम माने आपको, हम संजीदगी से काम कर रहे हैं। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए कि जो भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने एक कदम उठाया। आप कदम उठा रहे हैं बीएलए के ऊपर, तो बीएलए तो आपसे लड़ रहा है, बीएलए तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं बलूची, तो अब बलूची के ऊपर आप कदम उठाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में आप कदम उठाएंगे, उससे हमारा क्या लेने देना? आप उनको बैन कीजिए ना जिनको हमने बैन किया, जो आपके धरती से काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए मसूद अजहर इस समय कहां पर है? आज मसूद अजहर कहां पर है? और मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ, इस समय G20 का समिट हो रहा था कश्मीर के अंदर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जमील अली जुल्दीन बिलावल भुट्टो कहां पर थे? उस दिन बिलावल भुट्टो पीओके में घूम घूम कर बोल रहे थे तहरीक जैसे आतंकवादियों को कि जाओ भारत में कुछ करो, कश्मीर में कुछ करो, वहाँ शांतिपूर्ण G20 का समिट आपकी हो रहा है। की? तो क्या बात कर रहे थे? ठीक है, ये है आपकी हकीकत। जमीर साहब देखिए, मैं जो हमारे साथी हैं उनकी कुछ बात समझ पाया था, कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन जो उनकी बात थी उसको जितना मैं समझाऊं तो उसमें एक बात बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर आप की जानब से इल्जाम लगाए जाते हैं तो ये इल्जाम तो पाकिस्तान की जानब से भी आप पे लगाए जाते हैं, जैसे बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा में, और इसी तरह से जैसे उन्होंने कहा था कि कुलभूषण यादव जो है, तो उस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान के मौकफ है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर मामला में मुलविस था, उसके हवाले से उनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, इस तरह की जो सूरत हाल जब होगी तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तो लगेंगे, लेकिन अगर आप में बातचीत करेंगे तभी तो ये सारे मुद्दे जो है वो हल हो पाएंगे। पाकिस्तान की जानब से जो कोशिशें की जा रही हैं, मैं आपको ये दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको उनको संजीदा लेना पड़ेगा और उनके साथ दोबारा बातचीत करनी पड़ेगी। ये हकीकत है, लेकिन आप लोग क्या अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं होते? नहीं मानने को बैठे होते आप, तो फिर हम क्या करें? पूछिए
देखिए हम तो खुलकर अपने गृहबान में भी जानते और हकायक को समझते भी हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान में कार्रवाइयां भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जमीर अली साहब, अगर आप वाकई में डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत के आप लोग फेवर में है, तो कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए कुलभूषण यादव पाकिस्तान की सरजमीन से पकड़ा गया था और उन पर दहशतगर्दी के आरोप है और इसके हवाले से उनके हवाले से जो फैसला करेगी वो तो अदालत करेगी। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप सारे मामलों का हल चाहते हैं तो उसके लिए बिलाखिर आपको पाकिस्तान से बातचीत ही करनी पड़ेगी और इसके हवाले से जो पोलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होगी उसमें ये सारे मुद्दे हल हो सकते हैं ना। अगर आप ये कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ये मुद्दे कब किसी सूरत भी हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में अब देखे हैं कि हमेशा से ये लगता रहा है कि पाकिस्तान में जब कोई वाकया होता तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीछे रो नहीं करवाया, जब हिंदुस्तान में कोई वाकया होता है तो आप कहते हैं कि ये सही नहीं करवाया। इन तमाम मसलों का जो हल है वो हकीकत यही है कि ये डायलॉग्स में नहीं है, डायलॉग्स में ही है। तो आपको बिलाखिर पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे भरोसा करना पड़ेगा और आपको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, तभी मसाइल कदम पर तो होगा ना, कोई एक्शन तो लिया जाएगा आप लोगों की तरफ से, या आपके सिर्फ शब्दों पर भरोसा कर ले और जब जब भरोसा किया तब तब आप लोगों ने क्या किया ये भी इतिहास गवाह है। निपुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ शिल्पा जी, मैं एक प्रश्न पूछ रही थी, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है, इनको एक पूछे, कुलभूषण यादव को इन्होंने फांसी दे दी थी, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया, वहां से उनकी फांसी को रुकवा दिया गया, स्टे कर दिया गया, किस बिहाफ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण यादव की फांसी को रुकवा दिया था, इसका जवाब मुझे दे दें। जवाब दे जमीर अली साहब। देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट्स में गए हुए और कुलभूषण यादव के हवाले से जो बातचीत हो रही है और वहां पे जो फैसला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को एक्सेस भी दी थी और उनको वकील करने की भी सहूलत दी थी कि वो पाकिस्तान में अपने केस को लड़े। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट्स का फैसला या फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामलात है उसके हवाले से जो फैसले होते हैं वो एक अलग डिबेट है। आप अगर इस चीज को उससे मिलाएंगे तो पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए संजीदा है और उस पर कार्रवाई कर भी रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं भारत को उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा और उसके हवाले से बातचीत होगी और उस बातचीत में ही जो मुद्दे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो हल हो सकते हैं। देखिए आप माने या ना माने लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि कश्मीर के हवाले से की जाए, पहले आप इतना समझाइए, आतंक करो कि उसके बाद तो बातचीत संभव होगी, हिंदुस्तान कितनी बार पाकिस्तान बैठा के बात समझाएगा? पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई या फिर उनकी सपोर्ट नहीं की जाती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, इतने ऑपरेशन मेरा ख्याल है भारत ने नहीं किए जितने पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं। तो भारत को बिलाखिर ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसके हवाले से भारत को संजीदगी से। निपुण जी फाइनल कमेंट्स आपका, क्या कहेंगे जाते जाते पाकिस्तान को क्या नसीहत? ये तो इनको कहते रहेंगे, कोई सबूत तो इनके पास है नहीं। अभी इन्होंने बोल दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला देखा जाएगा, वैसे ही फांसी रोक दी गई है। दूसरा मेरा प्रश्न इनसे है, ये बार बार 370 का मुद्दा उठाते रहते हैं कि एक पक्षी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने चीन को सीपैक बनाने की अनुमति हमारी जमीन पर पीओके पे कैसे दी? इनकी इतनी इन्होंने पीओके को जब पता है को हमने इनलीगल कब्जा किया हुआ है, पीओके जो है भारत की जमीन है, विलय पत्र साइन किया हुआ राजा हरि सिंह का हमारे पास है, तो इन्होंने चाइना के साथ सीपैक क्यों बनवाया जो आज जयशंकर जी ने बोला ये हमारे तीन। जमीर अली देखें अब आप उसी तरफ आ गए, सीपेक जो कि पाकिस्तान की जानिब से और चाइना का एक मुश्तरक कॉरिडोर है और ये एक पाकिस्तान का मुआशी रास्ता का इसको करार दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, जिससे पाकिस्तान की मईशत के तमाम जो तरक्की के राज पोशीदा हैं। देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा कश्मीर का है। अब पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद के लिए उन्होंने हमेशा से ये मौकफ अपनाया हुआ है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी और सफारती मदद करता है, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीर पे जो पाकिस्तान को जिद छोड़ने की जरूरत है, कश्मीर हिंदुस्तान का था है और रहेगा, ये बात समझने की जरूरत है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर भरोसा आप कायम कर पाएंगे तभी बातचीत संभव है, आतंक के साथ ये कतई मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए जमीर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका निपुण आलम बयान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार।